नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ में मस्त होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूं, क्योंकि भाई अज्जू भाई की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। अज्जू भाई की शादी तय हो गई है तो उसी की तैयारियों में सब लगा हुआ हूं। तो आज अभी निकले हैं काफ़ी दिनों बाद घर से, मतलब बीच में छोटे छोटे ब्लॉग बनाना थोड़ा मन नहीं कर रहा था, तो आज मैंने कहा चलो कुछ खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ साझा करें। आज हमने जो ग्रैंड विटारा ली थी ना, वो पहले हमने कॉम्पिटेंट से बुक कराई थी, तो उनका एक चेक आना था, तो आज वो चेक भी हम वापसी लेने के लिए आए थे। ये रहा वो चेक, मिल गया 500 रुपये कम करके। अप्रैल में बुक कराई थी तो उन्होंने मना कर दिया था। अब जा रहे हैं एक बार पंजाबी बाग क्लब, वहाँ पर एक स्टूडियो बुक किया है जहाँ पर ये फोटोग्राफर वगैरह है, तो वहाँ एक बार उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कैसा क्या लग रहा है, बने रहिए हमारे साथ। ये NSIET वाले रोड से जा रहे हैं द्वारका मोड़ की तरफ, फिर वहीं से नाले नाले चल देंगे पंजाबी बाग क्लब की तरफ। गाड़ी में काफ़ी दिन पहले तेल डलवाया था, वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि गाड़ी चलनी नहीं होती है। बस कल गए थे एक बार, बड़े भाई का बर्थडे मनाया था, वो भी विटारा में गए थे। जब आपके पास गाड़ियों के दो ऑप्शन हो जाते हैं तो कोई ये गाड़ी कम चलेगी चलेगी। विकासपुरी नाले से जा रहे हैं भाई, पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब पहले की तरह नहीं है, अब शू की तरह निकल जाते हो, हर तरफ भीड़ जाम ये तो लगा ही रहा है। और स्कूल खुल गया है उसकी वजह से कुछ और ज़्यादा दिक्कतें हैं। सारी कॉलोनियों में बसावट हो गई, अब पहले वाली बात नहीं रहेगी। ये भाई देखो, ई रिक्शा वालों की मनमानी होती है, जहाँ मर्जी घुसेड़ दो, पहले हम ही निकलेंगे, पहले हम। और ये लग गया जाम, बुरा हाल है भाई, मान भी नहीं रहा भाई साहब। वो देखो एक सरदार जी हेल्प कराने के लिए आए, उसकी भी नहीं मान रहे। सही है भाई, पहुंच गए जी हम लोग पंजाबी बाग क्लब, जहाँ हमने आना था दीपक स्टूडियो। चलते हैं एक बार भाई, रश बहुत है, बहुत गर्मी भी बहुत है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। पहुँचे अब, पार्क कर दिया जी, मिल गई है जगह, और ये हम चल दिए दीपक स्टूडियो। करते हैं इनसे बातचीत वगैरह करके, इनका ऑफिस है। ये देखिए जी, कुछ फोटोग्राफी के नायाब जो उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक की हुई हैं। और ये है भाई इनके ओनर मिस्टर दीपक, अच्छा बना रखा भाई। चलो भाई कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। फोटोग्राफर बुक हो गया भाई साहब, अब चल रहे हैं नान खाने के लिए, लंच टाइम हो रहा है। तो पश्चिम बिहार में बलजी नान वाले के मशहूर नान है, वहाँ नान खाते हैं, फिर निकलेंगे आगे। आज छोटे छोटे काम है सारे। ये पहुँच गए जी बलजी अमृतसरी कुलचा, पश्चिम बिहार की मशहूर दुकान है नान की। चलते हैं, ये पहुँच गए उनके काउंटर। इसी टाइम मैंने 40 रुपये के 2 कुलचे खाए थे। अब धीरे धीरे जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ महंगा मिलता ही है, अब देखते हैं।
₹100 के सिंगल नान है जी, इसमें अनलिमिटेड आपको खाने को मिलता है। नान को छोड़ के अनलिमिटेड छोले, अनलिमिटेड रायता, प्याज जितनी मर्जी बार लो। दो थाली दी है भाई। हाँ मक्खन भी अनलिमिटेड है भाई। खाने वाले बनो, ये आपका पेट पूरा मन पूरा भर देंगे ऊपर यहाँ तक। ये है जी अंदर की भीड़। हमेशा रश रहता है। ये आगे भाई हमारे नान ₹100 की थाली के साथ में। और ये भाई ये देखो, जब तक आपका मन नहीं भरेगा ये आपको खिलाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। और साथ में मक्खन भाई, मक्खन नहीं आया जाता वाला। मक्खन में कंजूसी कैसे हो रही है भाई? ना रे, कितनी आधी किलो की टिक्की ये भाई। ये मक्खन ले आया पूरा कटोरा भर के। अरे भाई कितना खिलाएगा, कितना खिलाएगा पूरा कटोरा? कोई मतलब कमी नहीं है, जितनी मर्जी बार ले लो। मक्खन भी आधी किलो अकेला खा जाऊं तो देखो भाई। ये आ गया भाई मक्खन, अनलिमिटेड है भाई सब कुछ, नान को छोड़ के। भाई इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको इनको बुलाना नहीं पड़ता। ये बार बार आपसे हर 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद आके पूछते हैं कि आपने क्या चीज़ लेनी है जो आपका कमी है। अपने आप प्लेटें भरते रहते हैं जब तक आप इनको मना नहीं करोगे। और सब चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ, ये बार बार आते हैं, हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आएंगे पूछेंगे। पर अगर आपकी प्लेट खाली है, उसमें कुछ चीज़ की कमी है तो भरेंगे, अगर आप इनको मना नहीं करेंगे जब तक। भाई साहब मन यहाँ तक भर गया, मतलब खा गया। जो ये घी है ना, इसमें जो मक्खन है, मक्खन तीन तीन चार चार बार पोंछने के बाद भी इनसे मक्खन नहीं हटता। मतलब जो खिला रहे हैं दिल से खिला रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं है। जितनी मर्जी आप बाढ़ लीजिए, लेकिन मैं कुछ लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। भाई साहब भी आपसे बार बार आके पूछ रहे हैं, थाली में यार कुछ अन्न को छोड़ के मत जाओ। अभी मैंने कुछ देखा, इस वजह से बोल रहा, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ चीज़ जितना आपको जुड़ता है उतना लो। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद ये बंदे यहाँ पर आते हैं और आपसे बार बार पूछते हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप नान को छोड़ के जितनी मर्जी बार खाइए। ये जो मैं आपका दिखा रहा हूँ, इसका मतलब समझिए कितनी बड़ी बात लिखती है। समझने वाला कम शब्दों में इसको समझ जाएगा। हम किसी भी चीज़ को व्यर्थ करने में सिर्फ 1 मिनट लगाते हैं, और इसको किसान को इस मेहनत को उपज करने में कितना टाइम लगता है ये यहाँ लिखा है। पर ये भाई इनका स्टाफ बहुत बढ़िया है, बार बार आके आपसे लोगों से पूछता है। पैसों के साथ में अगर कुछ आपको अच्छा मिल रहा है वो जरूर बताना चाहिए। ये भाई हर 2 मिनट 3 मिनट बाद आके आपसे पूछते हैं कुछ खाने के लिए। और जब आप यहाँ से खा लेंगे फिर देते हैं आप लोगों को ये गुड़। भैया गुड़ दिखाएं भाई, पूरा डब्बा ही दे दे मेरे को तो। ओ भाई गुड़ का डब्बा लाना यार, 1-2 पीस है पूरा भरा हुआ है। और ये अभी खत्म हो जाएगा फिर घर के लाएंगे सारा, मैं अकेला खा जाऊं? नहीं भाई बढ़िया है, जाएंगे तो गुड़ भी लो गुड़ भी खाओ। भाई खाना हो गया, मजा आ गया, गुड़ खा लिया, पाचन क्रिया और बढ़िया हो गई उससे। पानी वानी का सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जो इनकी दुकान है किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप पश्चिम विहार में आ रहे हैं और आप बोलोगे जी मुझे नान वालों के यहाँ जाना है, बलजीत नान वाले के यहाँ, तो आप आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी चीज़ है, इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ब्लॉग में। ये भाई इनका कैश काउंटर, और ये देखो ये लग रहे हैं नान, दबा दबा के बना रहे हैं भाई। ये देखो सारे साफ सफाई का विशेष ध्यान है। ये देखो ये कितने बड़े बड़े तंदूर लग रहे हैं, 1-2-3 कितने तंदूर है भाई यहाँ पर? भाई 4 तंदूर है फिलहाल, 3 चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर आगे, मजा आ गया। यहाँ पर गाड़ियों को रेला लगा रहा था जी, ये देखो इनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपकी गाड़ी को सलीके से लगवाएंगे और हटवाएंगे भी, पूरी मदद करते हैं।
अब भाई नान वालों के यहाँ से खा के और अपने गाड़ी ली है। इन्होंने बहुत सारे अपने गार्ड छोड़े हुए हैं जो आपकी गाड़ी को सलीके से लगवाते हैं कि भाई कैसे किसी को कोई असुविधा ना हो। और हम लोग आए हैं, काफी सारे गार्ड है। कितने आप लोग, कितने गार्ड हो यहाँ? 5 आदमी है भाई, सलीके से गाड़ी लगवाते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। ये चल पड़े हैं जी वापसी, एक छोटे मोटे काम और निपटा लेते हैं। भाई मजा आ जाता है, काफी दिनों के बाद में कहीं बाहर निकलो, कुछ छोटा मोटा बाहर का खा लो, मन और तन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। मतलब काफी दिनों बाद निकल रहा हूँ भाई, निकलता तो बीच में रहता ही हूँ लेकिन गोरखा को लेके काफी दिनों बाद निकला हूँ। तो बीच में जब जिस दिन आता तो उस दिन मन होता भाई आज छोटा सा एक ब्लॉग बना लो, तो बना लिया भाई। आप लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है, अच्छा लगता है। ये पहुंच गए जी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। अब यहाँ से एक BSES का एक बिल ठीक कराना है भाई। ये लोड बढ़ा देते हैं और कम नहीं करते हैं, उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, तो इसलिए एक बार BSES के ऑफिस में भी चल रहे हैं। आए हैं तो भाई एक रूट बना के काम को निपटा ही लेते हैं। लेकिन रश है भाई, कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म हो गई, अब तो रश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पूरे रास्ते जाम ही जाम मिला है भाई। हम आए हैं जी BSES जनकपुरी C2 के ऑफिस में। भाई साहब लोड कम कराना था, भाई साहब हमारे को टरका रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी सी सभ्यता से बात करी तो उन्होंने हमारा काम कर दिया। अब देखते हैं जी लोड कम होता है या नहीं होता। लेकिन भाई साहब इसके लिए आपको ना सरकारी कर्मचारी जैसे आपको टरकाते हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे, अगर भाई साहब अगर घर से ये चीज़ होने वाली होती तो हम यहाँ क्यों आते। चलो भाई फिलहाल काम हो गया है, बाकी लोड कम हुआ या नहीं वो तो बाद में होगा। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने मांगे थे वो दे दिए और चल रहे हैं हम लोग फिर एक बार मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ। जय हो, जय हो। जैन मंदिर है जी, साथ में श्री दंत विनायक। ये खड़ी है अपनी गुरखा। आज गुरु पूर्णिमा भी है और चंद्र देवता सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ा आज का दिन है गुरु पूर्णिमा।